गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है, ये गठबंधन ये लंबा चलेगा, आगे चलेगा। ये केवल केंद्र की सत्ता में आपको उखाड़ फेंकने के लिए ही नहीं, अकेले उखाड़ फेंकने के लिए ही नहीं बनाया, आपको तो उखाड़ के फेंकेंगे ही केंद्र में। लेकिन ये गठबंधन जब तक शांत से नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा, जब तक नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके जो चेले हैं योगी को भी उत्तर प्रदेश से, जब तक हम यहाँ से तो श्री योगी को हम गोरखपुर में उसके मठ में वहां पर उसको वापिस नहीं भेज देते हैं, ये गठबंधन हमारा पूरे जी जान से लगा रहेगा और ये गठबंधन हमारा टूटने वाला नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं। मैं श्री अमित शाह को भी, श्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये कहना चाह रही हूँ, आप चाहे 10-20 हर एक एक लोकसभा में आप कई प्रोग्राम बना लो, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं। पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है, बीजेपी साफ हो रही है। और मुझे तो अब पूरा भरोसा ये है कि बाकी राज्यों में भी लगभग ऐसी रिपोर्ट मिल रही है, तो वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी भी अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार केंद्र में मुझे ऐसा लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी अब वापिस आने वाले नहीं है, इनके अच्छे दिन लग गए और बुरे ही दिन इनके वापिस आ रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अब जो पूर्वांचल बचा है, जिसमें ये बड़े पैमाने पर वैसे तो सब समाज के लोग हैं, लेकिन अभी पिछड़े वर्ग के लोग काफी है, आप लोगों को इनके बहकावे में आकर और खास तौर से तो प्रधानमंत्री जो अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, मैं बार बार कहती हूँ ये असली नहीं है, ये नकली है, फर्जी है, कागजी है, ये आप लोगों का वोट लेने के लिए जबरदस्ती ये कागजी ओबीसी बने हैं। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। गठबंधन के तहत जहाँ जहाँ भी हमारे बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये मान के चलना है कि हमें एक एक वोट अपना ट्रांसफर कराना है, एक एक वोट हमें ट्रांसफर कराना है। आप लोगों को कोई गलती नहीं करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई गिल्ला सिकुआ तुम्हारा पुराना भी है तो मैं अपील करने के लिए आई हूँ, उसको आप लोग तो देश और जनहित में, मूवमेंट के हित में, कमजोर तबकों के हितों में, अपने हित में आप लोग इसको भूल जाओ, तो गिल्ले सिकुए सबको भुलाकर इस समय सामाजिक परिवर्तन की लहर चल रही है और इस लहर को हमें लंबा ले जाना है। और आपका बहुत बड़ा योगदान है इस लोकसभा के आम चुनाव में, और इसी लोकसभा के आम चुनाव में आप लोगों को ये संदेश दे देना है कि ये हमारा गठबंधन लंबा चलेगा और ये पूरे देश के अंदर परिवर्तन लाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अधूरा कार्य था सामाजिक परिवर्तन का, केंद्र और सूबों में तो जो उपेक्षित लोग हैं, इन लोगों के हाथ में सत्ता आए, अब ये समय नजदीक आ रहा है बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को अपना गठबंधन के उम्मीदवारों को एक एक वोट देकर उनको जरूर कामयाब बनाना है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वाले दिन आप लोगों को सुबह उठते ही समय से सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है, और उसके बाद ही फिर आपको अपना कोई जवान आदि करना है। उस दिन आप लोग ये फैसला ले लो, ये तैयार कर लो कि हमें कुछ घंटे का उपवास रखना है, व्रत रखना है, और कुछ घंटे का उपवास रखने से हमारा भी काम बन जाएगा, हमारा वोट समय से पड़ जाएगा, और उपवास रखने से आपका पेट भी ठीक हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा पेट भी ठीक रखा करो। तो इसलिए वोट वाले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोगों को वोट डालने के लिए जाना है, और उसके
बाद ही फिर आपको अपना कोई जपान आदि करना है, और इस मामले में हमारी महिलाएं भी अपने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। जो बड़ी तादाद में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई हुई है, हमारे आदमी लोगों ने महिलाओं को थोड़ा पीछे दबाया हुआ, वो एक अलग चीज है, लेकिन महिलाएं आपके आजमगढ़ में महिलाएं हमारे पुरुषों से कभी पीछे नहीं रहती हैं। चाहे तो रैली में आने का मामला हो, भाग लेने का हो, या वोट डालने का हो, हमारी महिलाएं पीछे नहीं रहती हैं। तो मैं अपनी महिलाओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वोट वाले दिन आप लोग अपने पुरुषों के साथ तो वोट डालने के लिए समय से आप लोग जरूर निकलेंगे। इसके साथ ही आप लोगों ने हर पोलिंग बूथ की अपनी कमेटी बनाई हुई है, तो पोलिंग बूथ की कमेटी की ये जिम्मेवारी होगी, ये आप लोगों को ये देखना है कि आपके पोलिंग बूथ के क्षेत्र का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए। एक एक वोट आपका गठबंधन के उम्मीदवार को पड़ना चाहिए। और अब मैं पुनः आप लोगों से सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाने की तथा बगल की लालगंज रिजर्व सीट से बीएसपी की उम्मीदवार श्री संगीता आजाद को भी भारी वोटों के अंतर से जिताने की इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। और अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी, श्री अखिलेश यादव ये तो यहाँ से चुनाव लड़े हैं, तो ये तो अपनी बात रखेंगे ही, डिटेल में अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करूँ। आप लोग यही मान के चलना, श्री अखिलेश यादव मुझे अपना बड़ा मान के चलते हैं, और ये यहाँ से चुनाव लड़े हैं। मेरी आप लोगों से कि आप लोग ये सोच कर चलो, मान कर चलो कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े हैं, बल्कि आपकी बहन जी चुनाव लड़ी है।